मैंने जेपी के क्लासिक उसमें क्लासिक प्रोजेक्ट में फ्लैट लिया था, टू बेडरूम सेट था। द टोटल कॉस्ट उसकी 38 लाख थी, जिसके अंदर मैं करीब 37 लाख ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और मेरे जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, वो सारे के सारे मैंने इस फ्लैट को खरीदने में लगा दिया था, ये सोच करके कि मैं दो तीन साल के बाद अपने घर में जा सकूंगा। लेकिन अफसोस यह है कि 2009 का लगाया हुआ पैसा आज भी मेरे को फ्लैट के रूप में वापस नहीं मिला है, और मैं और मेरी वाइफ, मेरी मिसेस, हम लोग जो हैं इस डोल ड्रम में हैं कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं और क्या करें। इस ओल्ड एज में, इस रिटायर्ड में मेरे को इतनी हार्डशिप मिल रही है कि मेरा अपना पैसा मुझे ही परेशान कर रहा है। इसका मुझे बहुत दुख है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी संबंधित अधिकारी लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हों और हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। मेरा नाम सुनील ओबराय है, मैं जेपी ग्रीन के कासा आइल्स में मेरा पेंट हाउस है और जिसकी कि मैं 100% पेमेंट कर चुका हूँ, और ये फ्लैट मेरे को 2013 में 14 में डिलीवर होना था, मगर अभी तक कुछ पता नहीं है, खाली स्ट्रक्चर खड़ा है। मैंने अभी इस उम्र में आके अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उस घर पे लगा दी है। अपना एक घर था, उसको बेचकर मैंने इस घर में इन्वेस्ट किया था कि हम कहीं और अच्छी जगह पे जाके रहेंगे, मगर अभी तक तो यही लग रहा है शायद ये एक सपना ही बन के रह जाएगा। अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, सिर्फ बातें ऐसे लग रहा है हवा में हो रही हैं, लोगों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, कभी फॉर्म बी भर दीजिए, कभी फॉर्म सी भर दीजिए, कभी फॉर्म एफ भर दीजिए। ये मीडिया भी, न्यूज़पेपर्स में भी ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग सब कंफ्यूज से लग रहे हैं। और लास्ट डेट भी अप्रोच कर रही है कि हमें अपना क्लेम 24 अगस्त तक सबमिट करना है, तो इस चीज़ में भी कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है कि हमें कौन सा फॉर्म फॉलो करना चाहिए। 4 अगस्त को इनको IDBI बैंक ने NCLT को RBI के निर्देशन पर बैंक्रप्सी के लिए इनको रेफ़र कर दिया गया। एक छोटे से अमाउंट के लिए, जेपी जैसे बिल्डर के लिए 526 करोड़ रुपए कोई विशेष मात्र अमाउंट नहीं था जिसके लिए इन्हें बैंक्रप्सी के लिए फाइल करा दिया गया। इसके पीछे हमें लगा कि कोई ना कोई इसमें खेल खेला जा रहा है बायर्स के साथ धोखा करने के लिए। उसके पश्चात 9 तारीख को उनका जजमेंट आ गया और उन्होंने श्री अनुज जैन को IRP अपॉइंट कर दिया, एक प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया लिक्विडेशन के लिए या रिसरेक्शन के लिए, जो भी करना था। तब तक हम कुछ दो एक जजमेंट देख चुके थे, हम ये सोच रहे थे कि हम फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं और हमें हक मिलेगा कि इसमें निर्णय लेने का कि भाई इसका क्या करना है, इसको रिस्ट्रक्चर करना है या इसमें फाइनेंस और डालना है या इसको बैंक्रप्ट करके इसकी प्रॉपर्टी को बेचकर हम जो है सारी चीज़ों को रिकवर कर सकेंगे। लेकिन फॉर्म सी हम इसीलिए भर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि फॉर्म बी भरना है और जेपी ने पूरा जोर लगाया अपने यहाँ से फॉर्म बी बांट कर कि आपने फॉर्म बी भरना है। फॉर्म बी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए है जहाँ पर उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिन तक यही चलता रहा, लोगों ने फॉर्म सी भरे, क्लेम भरना शुरू किया। जब वो हज़ारों करोड़ में पहुँच गया तो इनको थोड़ी परेशानी हुई, ये भागे हुए गए और तुरंत सरकार की मदद से इन्होंने IBBI से एक फॉर्म एफ इशू करा लिया, जिसके तहत हम फिर नीचे की कैटेगरी में आ जाते थे। लोगों ने कोई नहीं सुना क्योंकि लीगली फॉर्म सी वाले जो हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं और हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई चीज़ प्राप्त करने का। बैंक्रप्सी कोड में भी एक्ट है और उसमें प्रावधान है कि अगर आपने कोई भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया इनसे परचेज करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंशियल क्रेडिट का दर्जा देकर उनको बैंक्रप्सी कराने का अधिकार है। इस अधिकार को छीनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आपने फॉर्म सी नहीं भरना, फॉर्म एफ भरना है। उसके बाद फॉर्म एफ 16 तारीख को ले आए। इतनी तेज़ी से सरकार कार्य कर रही है, हमें ताज्जुब हो रहा है। हमारे बिना मांग किए सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है, थोड़ी सी लगता है संशय आपको नहीं होती क्या? आप भी अब देखिए, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया?
तो हमें जब शंका हुई तो हमें पता चला कि फॉर्म एफ भरने के तहत हम फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर के दर्जे से नीचे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल एकदम बिल्कुल वही स्पष्ट स्थिति थी कि बारात आ रही है, पहले बाराती खाना खाएंगे यानी कि बैंक लेंगे लूटेंगे, उसके बाद घराती खाना खाएंगे यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स खाएंगे लेंगे जो बचा हुआ, और जो कुछ बची खुची खाना होगा वो भिखारियों को बाहर जो बायर्स हैं जिन्होंने ये पैसा दिया उनको बांटा जाएगा। हमारी स्थिति कानूनी तौर पर ये थी। फॉर्म सी भरकर हम फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कानून के प्रावधानों के अंतर्गत भी हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिलता है, और दो ऐसे एग्जांपल्स भी आ चुके हैं कोर्ट के नज़ीर हैं जहां पर बायर्स को फ्लैट बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिट का दर्जा दिया हुआ है। ये भी भ्रमित किया जा रहा है लोगों को क्योंकि अगर वो फॉर्म में क्लेम नहीं करेंगे तो ये जेपी से हमने पैसा लेना है, क्लेम हमें करना चाहिए या जेपी क्लेम करेगा कि उसने इतना पैसा देना है। हमें पता है हमने पेनल्टी लेनी है 18% के रेट से, जेपी वो डाटा नहीं देगा, कतई नहीं देगा, तो ये जेपी के डाटा देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमें सबको फॉर्म भरना है, फॉर्म सी भर के हम क्लेम करेंगे, और इसी वजह से क्योंकि 20,000 करोड़ का लगभग जो है रिकवरी का पैसा के लिए जो है फॉर्म सी आ चुके हैं, ये घबराहट इनके अंदर है, इन्होंने ये अफवाह फैलाई है कि फॉर्म कोई फॉर्म नहीं भरना, आप फॉर्म ना भरिए हम डाटा वहाँ से लेंगे। श्री अनुज जैन जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि क्या जेपी आपको 18% ब्याज लगाकर हमारा आपको क्रेडिट नोट बनाकर देगा कि इनका हमने इतना पैसा देना है मूल प्लस 18% ब्याज जिस दिन से इन्होंने पैसा दिया है उस दिन से लेकर 8 अगस्त तक का, और उसके बाद जब तक आप वो पैसा हमें फ्लैट नहीं देते तब तक का ब्याज लगाकर ये देगा? क्या ये लिखकर देने के लिए तैयार है जेपी इस बात के लिए? अगर ये तैयार नहीं है तो हम सब फॉर्म सी भरेंगे, हम अपना क्लेम करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा न खटखटाना पड़े।